हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्टार्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए, सिंगल चार्ज के लिए। तो सपोज दिस इज आवर सिंगल पॉइंट चार्ज क्यू। ओके, सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करते हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे होती थी? रेडियली आउटवर्ड्स होती थी, क्लियर। इस तरह से क्या होंगी? रेडियली आउटवर्ड्स। तो इसके जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो क्या होते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। तो यहाँ पे हम कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ कर देंगे। ये एक सरफेस, ये सेकंड सरफेस। ओके, तो ये हो गया एक सिंगल चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। सेकंड, अगर सिंगल नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, अगर सिंगल नेगेटिव चार्ज हो तो उसके जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो भी इस तरह से ही होंगे। नेगेटिव चार्ज के लिए भी सेम इसी तरह होंगे, बस इनके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स थी वो क्या थी? रेडियली इनवर्ड थी। ओके, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर ए सिंगल नेगेटिव चार्ज। नाउ ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। दे आर कंसेंट्रिक स्फीयर्स। सेम ही होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, सिंगल चार्ज अगर हो तो इसी तरह से उनके जो स्फीयर्स हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वो ड्रॉ होंगे। थर्ड है फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, क्लियर। तो ये एक सपोज दिस इज सिंगल पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज सिंगल नेगेटिव चार्ज, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती थी इनकी? ओके, तो डाइपोल के लिए देखो क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज के लिए कंसेंट्रिक सर्कल्स थी, तो इसी तरह से हमें ये स्फीयर्स ड्रॉ करने हैं। दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए डाइपोल। तो टू इक्वल चार्जेस के लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो इस तरह से होती है। तो इनका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो, स्फेरिकल सरफेस। ये दोनों चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है, दोनों का एक तरह ही ड्रॉ होगा। यहाँ पे देखो दोनों का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो टच कर रहा है, लेकिन आपस में क्रॉस नहीं करेगा। ओके,
तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू इक्वल चार्जेस। स्टूडेंट्स अब देखो, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है स्ट्रेट, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो इस तरह से होंगे हमारे, ठीक है, जैसे प्लेन पास कर रहे हैं इनके अंदर से, इस तरह से ड्रॉ करेंगे हम इनको। हमने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी कि तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो देखो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस के 90 डिग्री से ही निकल रही है ना लाइंस, तो ओके, तो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस।